देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज। उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून से हरिद्वार जाते समय भानियावाला में रुके तो उत्साहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम से मुलाकात की। उत्तराखंड के जोशीले युवा मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने अपने पहले ही दिन के कार्य से सभी युवाओं को अपना मुरीद बना दिया है। डोईवाला के भानियावाला में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्वागत में कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। युवा मुख्यमंत्री को लेकर डोईवाला में भाजपा के साथ युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा नेताओं में भी बेहद उत्साह का माहौल था। ऋतिक अग्रवाल, डोईवाला। देखिए, जो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह बने हैं, ये युवा मुख्यमंत्री हैं और युवाओं में इसमें बहुत उत्साह है। 2022 में हमारी हमारे प्रदेश में चुनाव है और उस चुनाव में हमको बहुत फायदा मिलने वाला है। हम 60+ सीटें यहाँ से उत्तराखंड से जीतेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। वो युवा हैं और युवाओं की तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं। युवा इस समय बेरोजगार है और युवाओं को जो है उचित माध्यम नहीं मिल रहा था कि किस तरह से वो अपना रोजगार चला सके, तो ये बड़ा सुअवसर हमको मिला है कि युवा मुख्यमंत्री होने के नाते वो युवाओं की तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं, महिलाओं की तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं और जो समुचित हमारा जो रोजगार है जो हमको मिल सके उत्तराखंड के अंदर, उसके लिए वो कटिबद्ध हैं। और आज भानियावाले में इसीलिए उनका स्वागत, पहली बार उनका स्वागत हुआ है उत्तराखंड में, वो भानियावाले में यहाँ हमने उनका स्वागत किया है। हमें बहुत खुशी है कि ऐसा मुख्यमंत्री हमको मिला है जो बहुत जो ऊर्जावान मुख्यमंत्री है। ये उत्तराखंड प्रदेश को एक युवा मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी जी मिले हैं और जिनके कार्य करने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो कार्य करने पर विश्वास रखते हैं, बोलने पर नहीं। और जैसा कि उन्होंने कुर्सी संभालते ही दिखा दिया कि हम किस प्रकार से उत्तराखंड प्रदेश के विकास के लिए, इसके त्वरित गति से विकास के लिए क्या क्या डिसीजन हमें लेने हैं, वो धरातल से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और उनको एक अच्छा अनुभव भी है, विधायक भी रह चुके हैं और एक ऐसे क्षेत्र से